चलिए सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आज का क्लास आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज की क्लास में 1 फरवरी के लिए वायरल क्वेश्चन बताने वाले जो सीधा आपके परीक्षा में देखने को मिलेगा। तो बायोलॉजी में जितना भी क्वेश्चन जो है इसी से सीधा लड़ेगा, तो आप लोग हर एक क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा और एग्जाम हॉल में धमाल मचा कर आइएगा, ठीक है। जो भी स्टूडेंट जो इस क्लास को पूरा देखेगा उसका तो बल्ले बल्ले, जिसने छोड़ दिया तो वो तो बहुत पछताएगा। तो चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, बिल्कुल विलंब नहीं करेंगे। और हाँ मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पे 100% वायरल क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है, वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है आप लोग स्क्रीन पर ये रहा, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा नर युग्मक एवं मादा युग्मक बनते हैं कहलाती है, तो वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो वो जो प्रक्रिया कहलाती है युग्मक जनन कहलाती है, ठीक है। राइट आंसर इसके लिए सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन जो है आप लोग स्क्रीन पर ये रहा, 3 परत वाली संरचना जिसके अंदर एक नई गुहा आदंत्र बन गई होती है कहलाती है, तो क्या कहलाती है? तो टू के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो गैस्ट्रुला रानी कहलाती है, ठीक है। राइट आंसर इसके लिए बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, 100% वायरल प्रश्न है, अच्छे से देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, एग्जाम में आपको पक्का देखने को मिलेगा, ठीक है। वह जीव या पौधा जिसके शरीर से नर तथा मादा दोनों प्रकार का प्रजनन पाए जाते हैं तो कहलाते हैं, तो वह क्या कहलाते हैं? तो वो जो कहलाएंगे उभयलिंगी कहलाएंगे, ठीक है। राइट आंसर इसके लिए सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो क्वेश्चन जो है आप लोग इसमें पी रहा, किस प्रकार के जनन करने वाले प्राणियों में अधिक विभिन्नताएं देखने को मिलती है? 4 के लिए राइट आंसर लगाएंगे सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो लैंगिक जनन हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर इसके लिए ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन जो है आप लोग इसमें पे रहा, वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत जीन जीव समझात शिशुओं को जन्म देकर अपनी प्रजाति को निरंतर बनाए रखता है कहलाती है। तो 5 के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो हम लोग जनन कहते हैं, ठीक है। राइट आंसर इसके लिए ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन जो है आप लोग इसमें भी रहा, जंतु जो शिशुओं को जन्म देते हैं कहलाते हैं। तो 6 के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? वह जंतु जो जंतु यहाँ पे जन्म देते हैं शिशुओं को, तो क्या कहते हैं? तो जरायुज कहलाते हैं, ठीक है। राइट आंसर इसके लिए बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अंडे को जो जन्म देते हैं वो अंडज कहलाते हैं, ठीक है। राइट आंसर इसके लिए भी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन जो है आप लोग इसमें भी रहा, अंडे से लेकर वयस्क तक बनने की संपूर्ण प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बताएंगे सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, जो अंडे से लेकर वयस्क तक बनने की संपूर्ण प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो 7 के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? जिसे जो हम लोग कहते हैं गर्भाधान कहते हैं, ठीक है। राइट आंसर इसके लिए ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन जो है आप लोग इसमें भी रहा, प्लाज्मोटोमी किसमें होता है? 8 के लिए राइट आंसर पर देखिए, प्लाज्मोटोमी किसमें होता है? तो 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये जो होता है ओपलिना और प्लाज्मोडियम, ये दोनों में जो है प्लाज्मोटोमी पाया जाता है। राइट आंसर इसके लिए सी और डी दोनों हो जाएगा, ठीक है। करेक्ट आंसर इसके लिए डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो प्रश्न जो है आप लोग इसमें पूछ रहा, किसी अनिश्चित यहाँ पे अनिश्चित अंडज से बीज के विकास को कहते हैं? 9 के लिए राइट आंसर बताइए, किसी अनिश्चित अंडज से बीज के विकास को क्या कहते हैं? तो 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसे जो हम लोग कहते हैं पार्थेनोकॉपी कहते हैं, क्या कहते हैं? तो पार्थेनोकॉपी कहते हैं। राइट आंसर इसके लिए बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ठीक है। 100% वायरल प्रश्न है, एग्जाम में आपको पक्का देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, एक बीजपत्री में ग्राफ्टिंग बिरले ही सफल होता है क्योंकि, क्यों होता है सफल ये बताना है? क्योंकि एक बीज यानी कि जो एक बीजपत्री है कैंबी विहीन होता है, ठीक है। क्या होता है? कैंबी विहीन होता है, इसी के कारण जो एक बीजपत्री में जो है ग्राफ्टिंग की बिरले नहीं हो सकता है, ठीक है, सफल नहीं होता है, सफल होता है, ठीक है। राइट आंसर इसके लिए बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन जो है आप लोग इसमें पी रहा, यहाँ पे क्वेश्चन क्या हम लोग का, एफायरा लार्वा ओरेलिया में पाया जाता है, इसका निर्माण किस विधि से होता है? तो 11 के लिए राइट आंसर लगाएं कि जो एफायरा लार्वा होता है ओरेलिया में पाया जाता है, इसका निर्माण किस विधि द्वारा होता है? तो किस विधि द्वारा होता है? तो क्या होता है? तो स्ट्रोबलाइजेशन द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? तो स्ट्रोबलोबाइलेशन द्वारा होता है। राइट आंसर इसके लिए डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन जो है आप लोग इसमें पी रहा, जेरोन्टोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? सभी मेरे प्यारे इस राइट आंसर लगाएंगे कि जेरोन्टोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो किसका अध्ययन होता है? तो एजिन का होता है, ठीक है। राइट आंसर इसके लिए सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन जो है आप लोग इसमें पी रहा, निम्नलिखित में से किसमें बिना निषेचन द्वारा प्रजनन की क्षमता होती है? बिना निषेचन के जो है प्रजनन की क्षमता किसमें होती है? तो मधुमक्खी में होती है, ठीक है। राइट आंसर इसके लिए सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन जो है आप लोग से भी रहा, प्याज के युग्मक में गुणसूत्र की संख्या होती है, यहाँ पे 14 के लिए राइट आंसर आएगी, प्याज के युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है? तो 16 होती है, ठीक है। राइट आंसर इसके लिए बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट।
हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन जो है आप लोग स्क्रीन पर ही रहा, किसी अनावृत बीजी में एंडोस्पर्म यानी कि भ्रूणपुष्प में होता है तो क्या होता है, तो 15 का राइट आंसर क्या हो जाता है, जो त्रिगुणित होता है कितना होता है 3N होता है। राइट आंसर इसके लिए क्या हो जाएगा, सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो प्रश्न जो है आप लोग स्क्रीन पर ही रहा, किसी पुष्प के अंडाशय में होते हैं, यानी बताएंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट्स की पुष्प के अंडाशय में कितने द्विगुणित होते हैं यानी कितने गुणित होते हैं। 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो हो जाएगा द्विगुणित संरचना होती है, ठीक है। राइट आंसर इसके लिए बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन जो है आप लोग स्क्रीन पर रहा, पौधों में अर्धसूत्री विभाजन किसमें होता है। 17 के लिए राइट आंसर आएगी, पौधों में अर्धसूत्री विभाजन किसमें होता है, तो 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो परागकोष में होता है, ठीक है। राइट आंसर इसके लिए डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन जो है आप लोग स्क्रीन पर रहा, किसी छोटे भाग या फिर टुकड़े के संपूर्ण शरीर से शरीर का निर्माण को कहते हैं, तो 18 के लिए राइट आंसर बताएगी, किसी छोटे भाग या फिर टुकड़े के संपूर्ण शरीर से निर्माण का होने को क्या कहते हैं, तो 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो मोरफोलैक्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं, तो मोरफोलैक्सिस कहते हैं। राइट आंसर इसके लिए ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन जो है आप लोग स्क्रीन पर रहा, द्विनिषेचन किसमें पाया जाता है, सभी मेरे प्यारे राइट आंसर लगाएंगे, द्विनिषेचन किसमें पाया जाता है, तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो गया, तो आवृत बीजी में द्विनिषेचन पाया जाता है, ठीक है। राइट आंसर इसके लिए ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन जो है आप लोग इसमें भी रहा, गतिशील सीलिया युक्त बीजाणु को कहते हैं, 20 के लिए राइट आंसर बताइए, गतिशील सीलिया युक्त बीजाणु को क्या कहते हैं, तो इसके लिए राइट आंसर जूसे हम लोग जूसपोर कहते हैं, ठीक है। राइट आंसर इसके लिए सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन जो है आप लोग इसमें भी रहा, यदि दो युग्मक देखने में समान लगे तो कहते हैं, तो जब दो युग्मक जो है समान देखने में लगे तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग आइसोटोगेमेट्स कहते हैं, ठीक है। राइट आंसर इसके लिए ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन जो है आप लोग स्क्रीन पर रहा, मानव के अर्धसूत्री विभाजन कोशिका में गुणसूत्र की संख्या होती है, मानव के अर्धसूत्री विभाजन कोशिका में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, तो 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 46 होती है, ठीक है। राइट आंसर इसके लिए डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन जो है आप लोग स्क्रीन पर रहा, कोई भी प्राणी एक अपवाद होगा, ठीक है, यहाँ पे अपवाद को छोड़कर अमर नहीं है, तो 23 के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो क्या हो जाएगा, एक कोशिकीय जीव, ठीक है। राइट आंसर इसके लिए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन जो है आप लोग इसमें भी रहा, संतान जो लगभग एक दूसरे के आइडेंटिकल हो, साथ ही उनके पेरेंट्स भी आइडेंटिकल हो तो कहलाते हैं, तो 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, उसे हम लोग क्लोन कहते हैं, ठीक है। राइट आंसर इसके लिए डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन जो है आप लोग इसमें भी रहा, प्रकंद का एक उदाहरण है, 25 के लिए राइट आंसर लगाएंगे, प्रकंद का उदाहरण क्या हो जाएगा, तो अदरक हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर इसके लिए सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन जो है आप लोग स्क्रीन पे ही रहा, एक्रोसोम किसका भाग है, सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स राइट आंसर बताएंगे कि एक्रोसोम किसका भाग हो जाएगा, तो किसका भाग हो जाएगा, तो शुक्राणु का शीर्ष का भाग होता है, ठीक है। राइट आंसर इसके लिए सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन जो है आप लोग इसमें पी रहा, गैमेट के निर्माण को कहते हैं, तो गैमेट के निर्माण को क्या कहते हैं, तो हम लोग इसको जो निर्माण को कहते हैं गैमेटोजेनेसिस कहते हैं, ठीक है। राइट आंसर इसके लिए ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन जो है आप लोग इसमें पी रहा, ठीक है, निम्न में से कौन उभयलिंगी स्त्री पादप नहीं है, यहाँ पे उभयलिंगी स्त्री पादप कौन सा नहीं हो जाएगा, तो वो पपीता हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर इसके लिए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन जो है आप लोग इसमें पे ये रहा, जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है तब कहलाता है, तो उस टाइम क्या कहलाएगा, वो तो अलैंगिक जनन कहलाएगा, ठीक है। राइट आंसर इसके लिए बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन जो है आप लोग इसमें पे रहा, अंड प्रजक है, बताएंगे सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स के अंड प्रजक क्या हो जाएगा, मुर्गी सांप मगरमच्छ या तीनों हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर इसके लिए डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन जो है आप लोग स्क्रीन पर रहा, द्विगुणित संरचना बताना कि द्विगुणित कौन है, डिप्लॉयड कौन है, इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो युग्मनज जो है यहाँ पे द्विगुणित संरचना हो जाएगा, 2N हो जाएगा, ठीक है। युग्मक क्या होता है, तो N होता है, युग्मनज क्या होता है, तो 2N होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन जो है आप लोग स्क्रीन पर रहा, निम्नलिखित में से कौन जंतु उभयलिंगी नहीं है, 32 के लिए राइट आंसर बताइए, कौन जो है जंतु उभयलिंगी नहीं है, तो 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो घरेलू मक्खी जो है उभयलिंगी नहीं होगी। राइट आंसर इसके लिए सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन जो है आप लोग स्क्रीन पर रहा, एसिटा बुलेरिया निम्न में से क्या है, बताएंगे सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स की एसिटा बुलेरिया निम्न में से क्या है, तो 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो है एक सवाल हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर इसके लिए बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन जो है आप लोगों को स्क्रीन पर ये रहा, निम्नलिखित में से किस पौधे की प्रजातियों के बीज में उत्पादन असंग जनन द्वारा होता है, बताएंगे सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स की किस पौधे की प्रजातियों में बीज का उत्पादन जो है असंग जनन द्वारा होता है, तो 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, तो इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। राइट आंसर इसके लिए डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन जो है आप लोग इसमें बी रहा, सॉरी इसमें से डी नहीं होगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, सरसों हो जाएगा, ठीक है, सरसों हो जाएगा। राइट आंसर इसके लिए बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, सरसों में जो है यहाँ पे असंग जनन द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, हम लोग यहाँ पे
इनमें से किसे बंगाल का आतंक कहा गया है? राइट आंसर लगाएंगे किसे बंगाल का आतंक कहा गया है, तो जलकुंभी को बंगाल का आतंक कहा गया है। ठीक है, यह प्रश्न आपको सीधा एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, हम लोग का मध्य चक्र यानी कि ऑस्ट्रस साइकिल पाई जाती है, तो मध्य चक्र यानी कि ऑस्ट्रस साइकिल किस में पाई जाती है? गाय में, भेड़ में, कुत्ता में, डीजो इनमें से सभी में। तो 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 36 का राइट आंसर इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, सभी में पाया जाता है ओसी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन जो है आप लोग स्क्रीन पर, ये रहा सल्क कंद का उदाहरण है। सल्क कंद उदाहरण क्या हो जाएगा, तो 37 के लिए राइट आंसर लगाएंगे। बहुत ही बढ़िया, क्या हो जाएगा, प्याज में जो है सल्क कंद का एक उदाहरण है। राइट आंसर इसके लिए सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्तनधारियों में निषेचन कहाँ होता है? सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स राइट आंसर लगाएंगे। स्तनधारियों में निषेचन कहाँ होता है, तो फोलोपियन नली में होता है। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन जो है आप लोग इसमें पी रहा प्राकृतिक अनिकेश जनन पाया जाता है, यानी कि पार्थोजेनेसिस कहाँ पाया जाता है, तो 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो वो जो हो जाएगा मधुमक्खी में पाया जाता है। ठीक है, राइट आंसर के लिए बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनिकेश जनन जो पाया जाता है मधुमक्खी में पाया जाता है, राइट आंसर के लिए बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन जो है आप लोग स्क्रीन पर, यह निम्नलिखित में से किसका परागण जल द्वारा होता है? सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स राइट आंसर बताएंगे किसका परागण जो है जल द्वारा होता है। ये क्वेश्चन अच्छे से याद कर लीजिएगा, सीधा एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो जोस्टेरा। ठीक है, जोस्टेरा में जो है जल परागण द्वारा होता है। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन जो है आप लोग इसमें पी रहा पिस्टियम में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? 41 के लिए राइट आंसर बताइए कि पिस्टियम में जो गायिक प्रवर्धन होता है किसके द्वारा होता है, तो ये जो था ऑफसेट द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? ऑफसेट द्वारा होता है। राइट आंसर इसके लिए बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन जो है आप लोग इसमें पी रहा घरेलू मक्खी के मायोसाइट्स में गुणसूत्रों की संख्या होती है, इसके लिए राइट आंसर बताइए। 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बहुत ही बढ़िया, कितने होती है, तो 12 होती है। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन जो है आप लोग इसमें पी रहा निम्नलिखित में से किस प्राणी में ओवोविविपैरिटी होता है? बताएंगे सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स की किस प्राणी में ओवोविविपैरिटी होता है? 43 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो रैटल सर्प में पाया था। ठीक है, रैटल स्नेक में पाया था। राइट आंसर इसके लिए सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन जो है आप लोग स्क्रीन पर, ये रहा पार्थोजेनेसिस पाया जाता है। बताएंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट्स की पार्थोजेनेसिस किस में पाया जाता है? 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बहुत ही बढ़िया, तो क्या हो जाएगा इसके लिए राइट आंसर, तो स्पोरोसिस्ट एवं रेडियल लार्वा में पाया था। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पार्थोजेनेसिस जो पाया जाता है स्पोरोसिस्ट एवं रेडियल लार्वा में पाया था, राइट आंसर इसके लिए डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन जो है आप लोग इसमें पी रहा यदि नर आकारिकी में मादा से भिन्न हो तो इसे कहते हैं, तो इसे क्या कहते हैं? सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स राइट आंसर लगाएंगे, तो क्या कहेंगे, तो लैंगिक द्विरूपता कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे, तो लैंगिक द्विरूपता कहेंगे। राइट आंसर इसके लिए सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन जो है आप लोग इसमें पी रहा पीडोजेनेसिस किसका लार्वा है? बताएंगे सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स की पीडोजेनेसिस किसका लार्वा हो जाएगा, तो 46 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो फेसियोला का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, फेसियोला का हो जाएगा। सारे प्रश्न आपको सीधा एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में फटाफट से शेयर कर दीजिए। ठीक है, 1 फरवरी के लिए वायरल क्वेश्चन है। ठीक है, इसी में से प्रश्न पूछा जाएगा किसमें तिर्यक द्विखंडन पाया जाता है। 47 के लिए राइट आंसर बताइए किसमें जो है तिर्यक द्विखंडन पाया जाता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सीराडिया में पाया था। ठीक है, राइट आंसर के लिए डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। और हाँ मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, सब्जेक्टिव के लिए टेलीग्राम चैनल पर जरूर जुड़ जाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का प्राणियों में यौनावस्था के बाद आता है, तो यौनावस्था के बाद प्राणियों में क्या आता है, तो 48 के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो प्रजनन अवस्था आता है। ठीक है, राइट आंसर के लिए बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो प्रश्न जो है आप लोग स्क्रीन पर, ये रहा निम्नलिखित में से कौन सही क्रम है? यहाँ पर सही क्रम बताना है कि सही क्रम क्या हो जाएगा। तो पहले क्या होता है, युग्मक जनन का निर्माण होता है, फिर संयुग्मन होता है, फिर युग्मनज बनता है, फिर उसके बाद क्या होता है, तो भ्रूण का जनन होता है। ठीक है, राइट आंसर के लिए सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन आपको सीधा एग्जाम में देखने को लड़ेगा। ठीक है, मिलेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप लोग स्क्रीन पर, ये रहा ठीक है, शब्द जो होमोथैलिक एवं मोनस बोनोसियस का प्रयोग किसके लिए किया गया है? बताएंगे सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, 50 के राइट आंसर लगाएंगे, बहुत ही बढ़िया, क्या हो जाएगा, तो द्विलिंग अवस्था के लिए किया गया। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो प्रश्न जो है आप लोग इसमें भी रहा तोता का सबसे अधिक उम्र क्या है? बताएंगे सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, तोता का सबसे अधिक उम्र कितना हो जाएगा, तो 51 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 140 वर्ष। ठीक है, तोता जो है सबसे अधिक वर्ष जो उसका होता है, तो 140 वर्ष होता है। ठीक है, राइट आंसर के लिए डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन जो है आप लोग स्क्रीन पे, यह निम्नलिखित में से कौन सा पौधा द्विलिंगी है? 52 के लिए राइट आंसर बताइए कौन सा पौधा जो है द्विलिंगी हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तो नारियल हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोकोनट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन जो है आप लोग स्क्रीन पे, ये रहा कौन सा द्विलिंगी जानवर है? 53 के लिए राइट आंसर बताइए कौन जो है द्विलिंगी जानवर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तो केचुआ, हाइड्रा तथा जोंक हो जाएगा। ठीक है, यही तीनों जो है यहाँ पे द्विलिंगी जानवर है। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन जो है आप लोग स्क्रीन पे, ये रहा
अघोरित गुणसूत्र किसमें पाया जाता है, बताएंगे सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स की हैप्लोइड क्रोमोसोम किसमें पाया जाता है, तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा 54 का, बहुत ही अच्छे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो वो जो जाएगा युग्मक में पाया जाता है, ठीक है। राइट आंसर के लिए बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन जो है आप लोग सुन पिए रहा, किसी आवृतबीजी एंजियोस्पर्म में कितने युग्मक पराग नलिका में होते हैं, 55 के लिए राइट आंसर लगाएंगे, बहुत ही अच्छे क्या हो जाएगा, तो दो पाए जाते हैं, ठीक है। राइट आंसर के लिए बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन जो है आप लोग सुन पिए रहा, किस अवस्था में शब्द एकलिंगा स्त्री का उपयोग किया गया, बताएंगे सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, इसके लिए राइट आंसर लगाएंगे, तो 56 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो एकलिंगी के लिए किया गया, ठीक है। राइट आंसर के लिए बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन जो है आप लोग सुन पिए रहा, बांस जाति में पुष्पन यानी कि फ्लावरिंग होता है तो कितना होता है, 57 के लिए राइट आंसर बताइए, तो पूरे जीवन काल में सिर्फ एक बार होता है, ठीक है, यानी कि बांस जाति में जो पुष्पन होता है सिर्फ पूरे जीवन काल में एक बार उगता है। राइट आंसर के लिए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन जो है आप लोग इसमें पिए रहा, ड्रोसोफिला यानी कि फ्रूट फ्लाई में मायोसाइट्स में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 58 के लिए राइट आंसर क्या लगा रहे हैं, बहुत अच्छे राइट आंसर के लिए डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, कितने होते हैं, तो 8 होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन जो है आप लोग इसमें पिए रहा, घड़ियाल एवं मे फ्लाई का जीवन काल कितना होता है, बताएंगे सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स की घड़ियाल एवं मे फ्लाई का जीवन काल कितना होता है, तो 60 वर्ष, कितना होता है, तो घड़ियाल का 60 वर्ष होता है, ठीक है, और मे फ्लाई का जीवन काल कितना होता है, तो 1 दिन होता है, ठीक है। राइट आंसर के लिए डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन जो है आप लोग इसमें पिए रहा, नोट्स को आंख कहते हैं जो निम्नलिखित में से किसमें नया पौधा बनाता है, बताएंगे सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स की नोट्स में जो आंख कहते हैं निम्नलिखित में से किसमें नया पौधा बनाता है, तो किसमें होता है, तो आलू में होता है, ठीक है। आलू में आप देखेंगे तो वो गोल गोल सा आंख जैसा रहता है जिससे नया पौधा बन जाता है, ठीक है। राइट आंसर के लिए डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन जो है आप लोग इसमें पिए रहा, हवा के द्वारा परागित होने वाले फूलों को कहते हैं, तो जो हवा के द्वारा परागित होता है फूल तो उसे क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, तो वायु परागित पुष्प कहते हैं, क्या कहते हैं, वायु परागित पुष्प कहते हैं। राइट आंसर के लिए बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन जो है आप लोग इसमें पिए रहा, अनुमूली पुष्प निश्चित रूप से होते हैं, 62 के लिए राइट आंसर लगाएंगे, अनुमूली पुष्प जो होते हैं निश्चित रूप से कैसे होते हैं, तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो स्वपरागित होता है, ठीक है। राइट आंसर के लिए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन जो है आप लोग इसमें पिए रहा, एंटमोफिलीस पुष्पों में परागण का माध्यम होता है, बताएंगे सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स की एंटमोफिली पुष्पों में जो परागण होता है किसके माध्यम से होता है, तो 63 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बहुत अच्छे क्या हो जाएगा, कीट हो जाएगा, ठीक है, कीड़ों के द्वारा होता है। राइट आंसर के लिए बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में फटाफट से शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, परागकण होता है, बताएंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट्स की पोलन इज क्या होगा, तो 64 का राइट आंसर लगाएंगे, बहुत अच्छे अघोरित हो जाता है, ठीक है। राइट आंसर के लिए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, हैप्लॉइड हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन जो है आप लोग इसमें पिए रहा, पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन की खोज की थी, बताएंगे सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स की पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन की खोज किसने की थी, तो 65 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो कोमारी रिंस ने किया था, किसने किया था, तो कामेरिया रिंस ने किया था। राइट आंसर के लिए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन जो है आप लोग इसमें पिए रहा, टैप्टम का कार्य बताना है कि टैप्टम का कार्य क्या होता है, सुरक्षा पोषण श्वसन उपरोक्त सभी, तो टैप्टम का क्या कार्य होता है, तो उसका जो कार्य होता है पोषण देना होता है, ठीक है, पौधे को पोषण देना होता है। राइट आंसर के लिए बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन जो है आप लोग इसमें पिए रहा, अघोरित कोशिका के संयोजन की प्रक्रिया होती है, 67 के लिए राइट आंसर लगाएंगे सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स की अघोरित कोशिका के संयोजन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सिंगैमी कहता है, ठीक है। राइट आंसर के लिए डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन जो है आप लोग इसमें पी रहा, किस फल का बीज चूर खाया जाता है, तो जायफल का, लीची का, शरीफा का, इनमें सभी का, तो हम लोग सभी का जो है बीज चूर खाते हैं। राइट आंसर के लिए डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन जो है आप लोग इसमें पी रहा, निम्न में से कौन कीट भक्षी पौधा है, इसके लिए राइट आंसर कीट भक्षी जो पौधा है वो कौन हो जाएगा, तो डोसेरा तथा नेपेंसिस, ये दोनों हो जाएगा। राइट आंसर के लिए सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये दोनों जो है कीट भक्षी पौधा हो जाएगा। राइट आंसर के लिए सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन जो है आप लोग इसमें पी रहा, दोहरा निषेचन में भाग लेने वाले कुल केंद्र की संख्या कितनी होती है, 70 के लिए राइट आंसर लगाइए, तो कितनी होती है, तो 5 होती है, ठीक है। राइट आंसर के लिए डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आज का जो आप लोग का 70 क्वेश्चन वायरल क्वेश्चन मैंने करा दिया, आप लोग इसको अच्छे से रट के जाइएगा, एग्जाम में सीधा आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे, ठीक है। और हाँ मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, सब्जेक्टिव के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक जो है नीचे दे दिया गया है, तो उस पर लिंक में क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल पर जरूर जुड़ जाइएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।